हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू एंड मी गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज हम आपको चंपा प्लांट के बारे में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में प्लूमेरिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है जो कि वेरी हीटेड कंडीशंस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, फुल सनलाइट बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है और अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग भी देता है। तो फ्रेंड्स, वही है ये प्लांट प्लूमेरिया चंपा। बहुत ही कॉमन प्लांट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी लीव बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं, और ये एक तरीके का फ्लावरिंग प्लांट है जिसके अंदर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और बीच में येलोइश शेड आती है। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट के सॉइल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि एक फ्लावरिंग प्लांट है प्लस फुल सनलाइट को ये लाइक करता है, तो इस प्लांट की सॉइल कंपोजिशन आप 50% गार्डन सॉइल, 25% आप इसके अंदर गोबर खाद और 10% आप इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर और 15% रेत मिला करके आप बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, सॉइल पोरस रहती है और मस्टर्ड पाउडर डालने की वजह से इसे अच्छे से ज़्यादा फ्लावरिंग भी करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखते हैं तो इसको आप डेली वाटर करें, बट ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। आप अगर इस प्लांट को सिरेमिक पॉट में लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि जो इसकी जो नीचे जो फ्रेंड्स जो स्टेम है, ये स्टेम फ्रेंड्स गल सकती है अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करते हैं। तो आपको इसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट देख करके, टॉप सॉइल टच करके आपको ये देखना है कि मिट्टी इसकी सौगी है या नहीं। अगर ज़्यादा सौगी है तो आप बिल्कुल इसको बिल्कुल भी पानी नहीं देना। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है, तो इसको अवॉइड करेंगे हमें पानी देना। बट अगर इसकी टॉप लेयर सूख जाती है तभी आप इसको पानी दें। ये प्लांट ओवर वाटरिंग करने से ज़्यादा मरेगा देन अंडर वाटरिंग। तो अप्रोप्रिएटली पानी दें, टॉप सॉइल चेक करके दें। अगर आपने इस प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है तो टॉप लेयर जल्दी से सूख जाती है, तो आप इसको डेली वाटरिंग करेंगे, बट टॉप लेयर चेक करके दें। ज़्यादा वाटरिंग करने से ये प्लांट मर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये फुल फ्लावरिंग प्लांट है तो उसको फुल सनलाइट चाहिए। अगर आप इस प्लांट को फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे, पार्शियल सनलाइट में रखते हैं, तो ग्रो तो ये प्लांट करेगा पार्शियल सनलाइट की वजह से, बट इतने अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। कभी कभी ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो ये गल सकता है। तो इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें जिसकी वजह से ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और ये अच्छे से ग्रो भी करेगा। नेक्स्ट फ्रेंड, इसके फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, आप इसको दो बार फरवरी अक्टूबर में फर्टिलाइज़ कर सकते हैं विद एक तो गोबर खाद, जो कि आप टॉप लेयर के अंदर डाल सकते हैं, और सेकंड बीच बीच में आप इसको जब इसका ग्रोइंग सीज़न है जो कि समर टाइम में बहुत अच्छा से ग्रो करता है, तो आप इसको महीने में एक बार मस्टर्ड पाउडर का लिक्विड, जो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको देख करके आप इसके अंदर डालें स्मॉल क्वांटिटी में, जस्ट हाफ अ कप इन अ वन मंथ। तो ये प्लांट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था इस प्लांट के बारे में, जिसमें अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और फुल सनलाइट में रखने के बाद
इसके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट सॉइल चेक करके ही देनी है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़, डू शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल यू एंड बींग गार्डनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।